राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई है। लालू यादव ने कांग्रेस से कहा कि अब समय नहीं बचा है और सीटों का बंटवारा कर चुनाव की तैयारी शुरू करनी चाहिए। लालू यादव ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी विचार करना चाहिए और घूमना फिरना बंद कर अब लोगों को इकट्ठा करने की रणनीति बनानी चाहिए। लालू यादव ने ये बात एक मीडिया संस्थान को दिए अपने इंटरव्यू में कही है। लालू ने अगले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की भूमिका को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी। नीतीश कुमार के द्वारा महागठबंधन छोड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जो लोग निकल गए वो गए, लेकिन जनता महागठबंधन नहीं निकली है, जनता अभी विपक्षी गठबंधन के साथ है। आरजेडी सुप्रीमो ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं और वो अलग नहीं होंगे। ममता बनर्जी अगला लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ेंगी। राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बोलते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, केवल बैठने से काम नहीं चलने वाला है। वैसे उन्होंने राहुल की अपनी यात्रा खत्म कर सीट बंटवारे पर भी काम करने की सलाह दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए वापसी पर लालू प्रसाद यादव ने दो टूक शब्दों में कहा कि हम लोग उनके पास नहीं जाते, बल्कि वो खुद बार बार हमारे पास चले आते हैं। लालू यादव ने कहा कि वो कभी सांप्रदायिकता के सामने नहीं झुके और ना ही उनके साथ कभी खड़े रहे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव भी ऐसा ही करेंगे। लालू यादव ने दावा किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी नहीं जीत पाएंगे। उनका दावा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की जीत तय है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।